तथा सजीव और निर्जीव वस्तु। तो चलिए हम उनके स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है इफ यू सी योर सराउंडिंग यू विल फाइंड प्लांट्स बर्ड्स मैन एनिमल चेयर टेबल फैन कंप्यूटर इटीसी। अगर आप अपने चारों ओर देखिएगा तो बहुत तरह की वस्तुएं आपको दिखाई देंगी, जैसे प्लांट्स हो गए, वर्ड्स हो गए, मैन हो गया, एनिमल्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, टेबल हो गया। तो देयर इज एन एंडलेस लिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो अतः हम यह कह सकते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव और निर्जीव वस्तुएं की कोई सीमा नहीं है, अनंत है। ऑल लिविंग थिंग्स हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट एग्जिबिट एन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। अगर हम बात करें तो सजीव वस्तुओं की लिविंग थिंग्स के अंदर कुछ विशेषताएं होती हैं, लेकिन अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर कोई भी विशेषताएं नहीं होती है। लिविंग थिंग, तो हम बात करते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में, सजीव वस्तुओं के बारे में। व्हाट मेक्स लिविंग थिंग डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग, ऐसा क्या है लिविंग थिंग्स में जो उसे नॉन लिविंग थिंग्स से अलग बनाते हैं? कुछ तो कारण होगा जो लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से अलग है। लिविंग थिंग्स हैव लाइफ, दे कैन डू मेनी थिंग्स व्हिच नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डू। अर्थात सजीव वस्तुएं जो होती है, निर्जीव सजीव वस्तुएं जो होती है उसके अंदर लाइफ होता है, जीवन होता है, उसके अंदर कुछ करने की क्षमता होती है। लेकिन निर्जीव वस्तुओं के अंदर, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर जो है, तो ऐसी कोई क्षमता नहीं होती है, ना ही उसके अंदर लाइफ होता है और ना ही वह कुछ कर सकता है। जैसे मूविंग, ईटिंग, ग्रोइंग, दे आर ऑल काइंड एंड अल्टीमेटली व्हेन दे ग्रो ओल्ड दे डाई। अतः हम यह कह सकते हैं लिविंग थिंग्स जो है सो खाना खा सकता है, अपना वृद्धि कर सकता है, ठीक है। और एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं जो लिविंग थिंग्स जन्म लेता है, एक निश्चित समय में वृद्धि करता है और अंत में जाकर के बुढ़ापे के बाद उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका अंत हो जाता है। लुक दिस लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, यहाँ पर बहुत सारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के पिक्चर दिए गए हैं। और तो कह रहा है नाउ आंसर दिस क्वेश्चन, यहाँ पर दो ग्रुप में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दो ग्रुप बांटा गया और दोनों ग्रुप के अंदर बहुत सारे पिक्चर दिए गए हैं, कुछ लिविंग थिंग्स के और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स के। उसके बाद यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए गए हैं जिसका आपको आंसर देना है। पहला है लिस्ट थ्री डिफरेंट लिविंग थिंग्स व्हिच यू कैन सी इन फिगर। कह रहा है यहाँ पर आपको तीन लिविंग थिंग्स का नाम लिखना है इस लिस्ट के अंदर जो कि इमेज में दिया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे इमेज दिए गए, जैसे पैरोट का दिया गया है, लायन का दिया गया है, फ्रॉग का दिया गया है, स्नेक का दिया गया है, एलिफेंट का दिया गया है। तो इसमें से तीन हम लिख देंगे, क्या लायन, चिल्ड्रन और एलिफेंट। अब उसके बाद सेकेंड चैप्टर का रहा है लिस्ट फाइव डिफरेंट नॉन लिविंग थिंग व्हिच यू कैन सी इन। उसके बाद कह रहा है आपको पांच नॉन लिविंग थिंग्स का नाम लिखना जो कि इस फिगर में दिया गया है। तो हम क्या क्या पांच को लिख सकते हैं? हम एरोप्लेन लिख सकते हैं, कार लिख सकते हैं, टॉय लिख सकते हैं, इंजन लिख सकते हैं, डॉल लिख सकते हैं। तो बहुत सारे जो है सो नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स की क्या विशेषताएं हैं। देयर आर सेवन कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच मेक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, दीज आर द सेवन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब कह रहा है ऐसी सात विशेषताएं बताइए जीव के अंदर जो नॉन लिविंग थिंग से अलग बनाता है लिविंग थिंग्स को। अब ऐसी क्या सात विशेषताएं हैं? तो पहला है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मींस पोषण। अब यह क्या होता है? तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। कह रहा है न्यूट्रिशन पोषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव अपने शरीर के अंदर आवश्यक पोषक पदार्थों की प्राप्ति करता है, जैसे प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का। प्लांट रिक्वायर्ड सोलर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड फ्यू मिनरल्स टू मेक द ऑल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स टू कीप देमसेल्फ गोइंग एंड ग्रोइंग। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट। उसी तरह जैसे मनुष्य के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, फैट की आवश्यकता होती है, उसी तरह पेड़ पौधों को भी जो
है सोलर एनर्जी की आवश्यकता होती है, सूर्य किरण की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है, कुछ मिनरल्स की आवश्यकता होती है, और इन्हीं सारे चीजों को प्राप्त करके पेड़ पौधे अपनी वृद्धि करते हैं। और उसी तरह अगर हम जीव जंतु की बात करें तो जीव जंतु कहाँ से ये प्राप्त करते हैं, तो जीव जंतु पेड़ पौधे से अपना जो है सो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। करें एज योर स्टोमेक इज एम्प्टी व्हेन यू फील हंग्री एंड यू डू, अगर हम देखते हैं, अगर आपका अनुभव करते हैं, अगर हमारा पेट खाली होता है तो हमें भूख लगता है और मुझे हमें खाने की आवश्यकता होती है। यू फील हंग्री बिकॉज द फूड यू हैड टेकन बिफोर हैज बीन डाइजेस्ट कंप्लीटली टू गिव यू एनर्जी। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा हमें अनुभव इसलिए होता है क्योंकि एक निश्चित समय पर जब हम भोजन कर लेते हैं तो डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेस्ट होने के बाद, पाचन होने के बाद जो है क्या होता है, तो वही चीज हमको एनर्जी प्रदान करती है, और जिसके पश्चात जो है हमको फिर से वापस भूख लगने का अनुभव होता है। नॉन लिविंग थिंग्स हैव नो सच टाइप ऑफ एक्टिविटी बट डू यू नाउ दैट नो लिविंग थिंग्स कैन एग्जिस्ट विदाउट सम नॉन लिविंग, फॉर एग्जाम्पल द ऑक्सीजन वी ब्रीथ इन द लाइफ इज नॉन लिविंग, वाटर वी ड्रिंक इज नॉन लिविंग। जैसा कि हम जानते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर कोई ऐसी गतिविधियां नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे भी नॉन लिविंग थिंग्स है जिसके हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है, जिसको हम अपवाद के रूप में कह सकते हैं। जैसे कि हम ऑक्सीजन की बात करें, वो हमारे शरीर के अंदर सांस लेने में काम आता है। अगर हम पानी की बात करें, वो उसकी आवश्यकता हमको किसी की पूर्ति करती है, तो पानी पीने के लिए वो पूर्ति होती है, हमारा प्यास बुझाने के लिए उसका उपयोग होता है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड है रिस्पिरेशन, मतलब श्वसन। रिस्पिरेशन इज द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड सब्सटेंस इन ऑल लिविंग थिंग्स से। श्वसन क्या होता है, तो श्वसन यह क्रिया है जिसके माध्यम से शरीर के अंदर खाद्य पदार्थों की पूर्ति होती है। लिविंग थिंग्स ब्रेक डाउन फूड विद इन देयर सेल्स टू रिलीज एनर्जी फॉर गेटिंग आउट ऑफ रिस्पिरेशन प्रोसेस। हमारे शरीर के अंदर अगर जो भी कोशिकाएं हैं या जो भी हमको एनर्जी प्राप्त होती है वो फूड के माध्यम से श्वसन क्रिया के द्वारा हमें प्राप्त होती है, जिसके कारण अगर कोई कोशिका हमारे शरीर के अंदर डैमेज हो जाता है तो उसको फिर से पूरा पूर्ति जो है सो एनर्जी के माध्यम से खो पाता है। ऑल लिविंग थिंग एक्सचेंज गैसेस विथ देयर एनवायरनमेंट, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो गैसों का आदान प्रदान जो है वातावरण के माध्यम से करते हैं। एनिमल्स टेकिंग ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूमन बीइंग रिस्पायर थ्रू देयर नोज एंड लंग्स। उसी तरह जानवर को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है सांस लेने के लिए, ठीक है, जिस तरह से मनुष्य को होता है, और जिस तरह से मनुष्य जो है श्वसन क्रिया जो है किसके माध्यम से करता है, नोज के माध्यम से, नाक के माध्यम से सांस लेती है। नोज और लंग्स के माध्यम से मनुष्य के अंदर जीव जंतु के अंदर जो है सो श्वसन क्रिया पूरा होता है। फीसेस रिस्पायर थ्रू गिल्स एंड वेल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। अगर हम मछलियों की बात करते हैं तो मछलियों जो है श्वसन क्रिया की पूर्ति गिल्स के माध्यम से करती है। वही वेल्स मछली जो होता है समुद्र के अंदर पाया जाने वाला, उसके लिए जो है श्वसन क्रिया उसके अंदर लंग्स के माध्यम से होता है, फेफड़े के माध्यम से होता है। सम एनिमल रिस्पायर थ्रू देयर स्किन लाइक अर्थवर्म एंड लीच। कुछ ऐसे भी मतलब एनिमल है, जंतु है, जो जिसके अंदर श्वसन क्रिया जो है सो स्किन के माध्यम से होता है, चमड़ा के माध्यम से होता है। कौन कौन से ऐसे है, तो मैं दो एग्जाम्पल आप लोगों को बताऊंगा, जैसे केचुआ अर्थवर्म, वो भी श्वसन क्रिया किसके माध्यम से करता है, अपने स्किन स्क्रीन के माध्यम से करता है, स्किन के माध्यम से करता है। उसके बाद लीच मतलब जो, वह भी अपना श्वसन क्रिया स्किन के माध्यम से करता है। प्लांट रिस्पायर थ्रू थोर टिनी पोर्स, दिस पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ देयर लीव्स, दिस पोर्स आर फॉर स्टोमेटा। प्लांट्स के अंदर, पौधों के अंदर जो होता है श्वसन क्रिया के लिए, उसके अंदर पत्ती के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और उसी छिद्र के माध्यम से वह अपना श्वसन क्रिया करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। अगर हम तीसरे बात करें
की विशेषता का, लिविंग थिंग्स की विशेषता का, तो वो है मूवमेंट, जिसको हम क्या कह सकते हैं, चलना या गति। ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी सजीव वस्तु हैं, वो मूव करता है। इट इज ऑब्वियस दैट एनिमल मूव, बट प्लांट मूव इन वेरियस डिफरेंट वे। प्लांट्स लाइक क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स मूव ऑन ग्राउंड और वॉल्स। देखिए, लिविंग थिंग्स मूव करते हैं, गति करते हैं, लेकिन गति करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए मनुष्य को लेते हैं या जीव जंतु को लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, चलते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। लेकिन पेड़ पौधों में ऐसा नहीं होता है, पेड़ पौधे में ये नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। हाँ, गति वो भी करता है, वो वृद्धि करता है, बढ़ता है अपने आप में। जैसे कि अगर हम बात करें तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ग्राउंड में फैलते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो वॉल पे लटकते हैं, ठीक है, जैसे झाड़ियां वगैरह होती हैं। सनफ्लावर टर्न इट्स फेस टुवर्ड द सन। और कुछ ऐसे भी पौधे हैं, जैसे कि मान लो हम सनफ्लावर की बात करते हैं, सूर्यमुखी की पौधे की बात करते हैं, तो वो सूर्य के अकॉर्डिंग, सूर्य जिस दिशा से मूव करता है, पौधे भी उधर उधर मूव करता है। मैनी एनिमल्स लाइक डॉग, कैट इटीसी वॉक और रन, बर्ड्स फ्लाई, फिशेस स्विम, स्नेक क्रॉल, फ्रॉग, हॉक और जंप, एनिमल मूव विद द हेल्प ऑफ लिम्स, विंग्स, फिन्स और बॉडी। उसी तरह अगर मनुष्य की बात करें, कुत्तों की बात करें, बिल्लियों की बात करें, गाय की बात करें, भैंस की बात करें, तो वो लोग क्या करते हैं, टहलते हैं, दौड़ते हैं। अगर हम पक्षी की बात करें, वो उड़ते हैं। अगर हम मछली की बात करें, तो वो तैरते हैं। हम स्नेक की बात करें, तो वो रेंगता है। अगर हम फ्रॉग की बात करें, मेंढक की बात करें, तो वो जंप करता है। तो हर एक जीव जंतु के शरीर में अलग अलग पार्ट जो है पाया जाता है मूव करने के लिए। नन लिविंग थिंग्स हैव नो मेथड्स फॉर मूवमेंट, दे रिमेन इमोबाइल। देखो, कहने का तात्पर्य है, जो नन लिविंग थिंग्स के अंदर जो है सो मूव करने की कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं है, कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो कह सके जो नन लिविंग थिंग्स मूव करता है। उसके बाद चौथा की हम बात करते हैं, एक्सक्रिएशन। ये क्या होता है, मलत्याग। मलत्याग क्या होता है, ऑल लिविंग थिंग्स एक्सक्रिएट। Excretion is defined as the removal of toxic material, the waste products of metabolism and substance in excess from the body of an organism. देखिए, हमारे शरीर के अंदर जब हम भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद जब भोजन डाइजेस्ट होता है, पाचन होता है, तो उस क्रिया के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर कुछ उत्सर्जी पदार्थ, कुछ अनावश्यक पदार्थ, जिस तरह खेत के अंदर जब हम कोई फसल करते हैं, तो फसल के साथ साथ कुछ अनावश्यक पेड़ पौधे का भी ऐसा उत्पत्ति हो जाती है। तो फिर क्या करते हैं, हम उसके उसको उस खेत से हटा करके निकाल करके फेंक देते हैं। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी जो है, तो जब हम भोजन करते हैं, तो पाचन क्रिया के होने के पश्चात एनर्जी प्राप्त होने के साथ साथ कुछ अनावश्यक उत्सर्जी पदार्थ हमारे शरीर के अंदर जमा हो जाते हैं, और जिसका त्याग हम किसके माध्यम से करते हैं, मल त्याग के माध्यम से हम करते हैं। उसके बाद है ग्रोथ, विकास या वृद्धि। ग्रोथ इज सीन इन ऑल लिविंग थिंग्स। ग्रोथ क्रिया जो है, अगर हम विकास की बात करें, वृद्धि की बात करें, तो ये हर एक लिविंग थिंग्स में पाया जाता है। वी टेक फूड टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स, द परमानेंट इंक्रीज इन सेल नंबर एंड साइज इज कॉल्ड ग्रोथ। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम खाना खाते हैं, तो वो एनर्जी के माध्यम से हमारे शरीर को प्राप्त होता है, जिसके कारण हमारे सेल एक परमानेंट समय में लगातार जो है तो उसके अंदर सेल के अंदर सेल के नंबर में, संख्या में, उसके साइज में इंक्रीज होता जाता है, जिसे हम ग्रोथ कहते हैं। व्हेन लिविंग थिंग टेक फूड, द गेन एनर्जी, सम ऑफ दिस एनर्जी इज यूज्ड इन ग्रोथ। जैसा कि जब हम देखते हैं, जब हम खाना खाते हैं, तो उससे हमको एनर्जी प्राप्त होता है, और उसी एनर्जी के माध्यम से हमारे सेल के साइज में, आकार में, या सेल की संख्या में वृद्धि होता है, और हमारा शरीर विकास करता है, और एक बच्चा जो है व्यस्क होता है, और व्यस्क होने के बाद फिर ओल्ड हो जाता है। तो एक निश्चित क्रिया जो है ग्रोथ का चलता रहता है। उसके बाद हम बात करें सिक्स नंबर जो है इस लिविंग थिंग की विशेषता, वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स प्रजनन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म have the ability to produce offspring
human babies can produce kittens and pigeons, legs. Plant also reproduce. They make seed which germinate and grow into new plants. जितने भी living things हैं उसके अंदर प्रजनन करने की क्षमता पाई जाती है। प्रजनन को अगर हम बात करें तो इसको सरल भाषा में कह सकते हैं संतान उत्पत्ति की क्रिया करने में जो है जितने भी living things हैं वो सक्षम है। जैसे कि मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंदर क्या क्षमता होती है, वो बेबीज को अजन दे सकता है, अपने जैसे बच्चों का जन्म दे सकता है। अगर हम पक्षी की बात करें, मुर्गों की बात करें, कबूतर की बात करें तो वो अंडे देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर भी जो है जो रिप्रोडक्शन प्रजनन करने की क्षमता होती है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सीड्स होता है, बीज होता है, और फिर जब हम उसी बीज को जमीन के अंदर बो देते हैं तो उसी के फलस्वरूप एक नए पेड़ का निर्माण होता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो रिप्रोड्यूस और डाई। उसी तरह नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ग्रो करने की क्षमता नहीं होता है, ना ही वो वृद्धि करता है, ना ही उसके अंदर रिप्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, प्रजनन की क्षमता होती है, और ना ही हम कह सकते हैं वो मर भी नहीं सकता है। उसके बाद हम सातवां और लास्ट नंबर बात करने बात करते हैं इसके लिविंग थिंग्स की विशेषता के बारे में, तो वो है सेंसिटिविटी और इरिटेबिलिटी, मतलब जो हमारे संवेदनशीलता और चिड़चिड़ापन या इसको उत्तेजना कह सकते हैं। All living things are able to sense and respond to stimuli around them such as light, temperature, water, gravity and chemical substances. जितने भी living things हैं वो सारे के अंदर संवेदनशीलता होती है, feelings होती है। अगर हम उसके के साथ कुछ व्यवहार करते हैं तो उसका उस चीज का अनुभव होता है। जैसे कि हम अगर बात करते हैं मतलब प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम आग के पास अपने हाथों को ले जाते हैं तो हमको जलने का अनुभव होता है, अगर हम बर्फ के पास अपने हाथों को ले जाते हैं तो ठंडापन महसूस होता है, अगर हमारे ऊपर लाइट पड़ता है तो उसका भी अनुभव हमको होता है। तो मतलब कह सकते हैं फीलिंग जो है लिविंग थिंग्स में पाया जाता है। Living things react to change around them. We react to touch, light, heat, cold, and sound, air to other living things. जितने भी living things हैं, सारे living things react करता है, action का reaction देता है, ठीक है? क्रिया का प्रतिक्रिया देता है। जैसे हम light को touch करते हैं, अगर बर्फ को touch करते हैं, अगर कुछ हमको sound सुनाई देता है, अगर कोई हमको जोर से डांट देता है, वो भी हमको feeling आ जाता है, अगर कोई हमको हंसाता है, वो भी feeling हम महसूस करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कोई हमको हंसा रहा हो और हम रोने लगे हो? नहीं। तो ये एक फीलिंग होती है जो लिविंग थिंग्स के अंदर होता है। नॉन लिविंग थिंग्स हैव नो रिस्पांस अगेंस्ट एनी अदर स्टिमुलस। उसी तरह अगर हम बात करें नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर, तो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ऐसा कुछ भी रिस्पॉन्स करने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो है सो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो रहा है। यहाँ पर हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स लिख दिए हैं, वो वर्ड मीनिंग देख लीजिएगा और YouTube चैनल के अंदर आपको सबसे डिस्क्रिप्शन में जो है इसका क्वेश्चन आंसर वगैरह मिल जाएगा। तो अभी तक के लिए धन्यवाद, फिर हम नेक्स्ट वीडियो